मनिक दोस्तों, आई एम वैभव शर्मा, आई एम पार्ट ऑफ इंपैक्ट एक्सपर्ट्स वर्ल्ड ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आज हम लोग बात करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का साइकिल कैसे काम करता है, ये पूरा साइकिल है क्या और इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स आपको गाइड करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने हैं स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपका एक्सपोर्ट पूरा कंप्लीट हो सके या इंपोर्ट आपका पूरा कंप्लीट हो सके। सो पहले हम लोग बात करेंगे एक्सपोर्ट साइकिल की। सबसे पहला स्टेप क्या आएगा अगर एक्सपोर्ट साइकिल की बात करें, मैं मान के चल रहा हूं कि आपका बिजनेस सेटअप हो चुका है, लाइसेंस निकल चुका है, आरसीएमसी निकल चुका है, आपका पूरा सेटअप रेडी है। उसके बाद सबसे पहला स्टेप जो एक्सपोर्ट में आएगा वो आएगा प्रोडक्ट सिलेक्शन। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट फाइनल करना होगा। प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बना के आपको दिया हुआ है डिटेल में, जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। उसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया कि प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो ये पहला स्टेप हुआ कि पहले आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है, प्रोडक्ट फाइनल करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप आएगा, आपको मार्केट फाइंड करना है। उसके लिए लोग गलती क्या करते हैं कि पहले कोई भी मार्केट पकड़ लेते हैं, फिर वहां पे कोई भी प्रोडक्ट ढूंढते रहते हैं। दोस्तों, इसका एक पूरा सिस्टम है, ये पूरा साइंस है, साइंस उसको बोलते हैं जहां पे स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो यहां पे पहला स्टेप है प्रोडक्ट सिलेक्शन। अभी सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम मार्केट सर्च करेंगे। मार्केट जो आपका प्रोडक्ट आपने फाइनल किया है, देखिए हर प्रोडक्ट हर कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं होता है, जो प्रोडक्ट है आपका वो कौन कौन से कंट्रीज में जा रहा है वो हमें सर्च करना है। तो मार्केट सिलेक्शन के लिए भी मैंने डिटेल वीडियो आपको बना के दिया हुआ है, वो रेफर कर सकते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्टेप्स की, साइकिल की। तो मार्केट सिलेक्शन करके कि वो कौन कौन से कंट्री में जाता है, दैट इज कॉल्ड मार्केट। मार्केट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉम्पिटिशन मार्केट, एक होता है टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट कौन सा होगा कि जहां पे आपका प्रोडक्ट जा रहा है, जहां उसकी डिमांड है। एंड कॉम्पिटिशन मार्केट कौन सा है कि वो सेम प्रोडक्ट और कौन कौन से कंट्रीज भेज रहे हैं उन कंट्रीज में जो आपके टारगेट मार्केट है, राइट। तो दैट इज ऑल अबाउट मार्केट सिलेक्शन। तो सेकंड स्टेप हुआ मार्केट सिलेक्शन। उसके बाद आएगा बायर फाइंडिंग। सो थर्ड स्टेप इज बायर फाइंडिंग। प्रोडक्ट फाइनल हो गया, उसके मार्केट हमने ऑप्शन निकाली कि कौन कौन से कंट्रीज में वो जा रहे हैं, अब वो कंट्रीज में हमें बायर्स फाइंड करना है। ये थर्ड स्टेप है अपना। बायर फाइंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि वो कंट्रीज में बायर ढूंढना, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। बायर फाइंडिंग का भी हमने बहुत डिटेल्ड वीडियो आपको दिया हुआ है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको रेफर कीजिए। उसमें मैंने टेक्निक्स बताई है कि बायर्स कौन कौन सी टेक्निक से मिल सकते हैं, तो सारी टेक्निक फ्री ऑफ कॉस्ट है, दे विल सेव योर लैक्स ऑफ रुपीज, राइट। तो ये थर्ड स्टेप हुआ बायर फाइंडिंग का। और उसके बाद फोर्थ स्टेप होगा डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस। प्रोसेस में क्या क्या आएगा, ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग, इंश्योरेंस, ये सब प्रोसेस का पार्ट है। तो डॉक्यूमेंट प्लस प्रोसेस में ये सब कुछ आ जाएगा, ये फोर्थ स्टेप हुआ। ये चार स्टेप में आप पूरा प्रोसेस कर पाएंगे और जो रिक्वायरमेंट है सामने वाले बायर की, उसको कहां पे मटेरियल चाहिए, कौन से बोर्ड पे चाहिए, वहां तक पहुंचाने के लिए जो भी टर्म्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल कर पाएंगे। उसके बाद आता है गवर्नमेंट बेनिफिट। दोस्तों, फोर्थ स्टेप के बाद पूरा प्रोसेस हो चुका होगा कंप्लीट, उसको मटेरियल मिल गया होगा, पैसा आपके अकाउंट में आ गया होगा इस पर पेमेंट टर्म्स। नाउ अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, जो आपका पूरा ट्रेड हुआ है उस पर गवर्नमेंट के कौन कौन से बेनिफिट है जो आपको क्लेम करना है। तो फिफ्थ स्टेप है, आपको उस पर गवर्नमेंट के बेनिफिट क्लेम करने हैं। ये फिफ्थ स्टेप है। इस तरह से पूरा एक्सपोर्ट का साइकिल हुआ जो आपको फॉलो करना है। ये पांच स्टेप में आपका पूरा एक्सपोर्ट कंप्लीट हो गया होगा, पैसा आपके अकाउंट में आ गया होगा सेफली, और आपने गवर्नमेंट बेनिफिट क्लेम भी कर लिए होंगे। इस तरह से पूरा एक्सपोर्ट आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे
इम्पोर्ट साइकिल की, इम्पोर्ट साइकिल भी ऐसे ही होता है, इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज आएगा, वो कैसे आएगा? सबसे पहले आपने प्रोडक्ट फाइनल करना है कि कौन सा प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हो, वो फाइनल हो गया। उसके बाद आपको मार्केट फाइनल करना है कि वो कहां से इंपोर्ट करना है आपको। जो भी इंपोर्ट नॉर्मली जो सस्ते कंट्रीज है वहां से होता है, चाइना, ताइवान, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब जगह से इंपोर्ट होता है। उसके बाद आपको फाइनल करना है कि सप्लायर, सब अभी हम एक चेंज आएगा, एक्सपोर्ट में हम लोग बायर ढूंढते हैं, इंपोर्ट में हम लोग सप्लायर्स ढूंढेंगे। ये इंपोर्ट साइकिल की बात कर रहे हैं अभी हम, तो बायर नहीं ढूंढ के अब हम लोग सप्लायर ढूंढने वाले हैं कि सप्लायर्स कैसे मिलेंगे। वो सप्लायर्स उन टारगेट मार्केट में हमें ढूंढने हैं, हमने डिसाइड किया कि हमें चाइना से लेना है, ताइवान से लेना है, तो वहां पे अपने को सप्लायर ढूंढने हैं जो हमारा प्रोडक्ट है। उसके बाद सेम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस विल बी द सेम स्टेप। अब ये सारा प्रोसेस कौन करेगा, उसका सीएचए करेगा या हमारा सीएचए करेगा, वो कैसे करना है, वो टर्म्स हम लोग वो हिसाब से देख लेंगे। जिसको भी करना है कोई भी कर सकते हैं, और वो हमें कहां तक लेना है, हमें अपने कौन से पोर्ट पे मंगाना है या हमें उसके पोर्ट से उठा लेना है, वो हम डिसाइड करेंगे, वो हमारी टर्म्स क्या है। तो पहला स्टेप हुआ प्रोडक्ट, अगर हम इंपोर्ट साइकिल की बात कर रहे हैं, सेकंड स्टेप हुआ मार्केट, थर्ड स्टेप हुआ सप्लायर्स, फोर्थ स्टेप हुआ डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस, इसमें शिपिंग लॉजिस्टिक्स सब आ गया, एंड लास्ट स्टेप गवर्नमेंट बेनिफिट। इंपोर्ट में ऑब्वियसली कोई गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं मिलता है, कुछ प्रोडक्ट है कुछ जहां पे गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव वगैरह देती है जिनको प्रमोट करना होता है। 99% को इंपोर्ट पे कोई इंसेंटिव नहीं है, 1% कुछ चीजें हैं जहां पे गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव देती है। तो दोस्तों इस तरह से पूरा इंपोर्ट का साइकिल 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो ये 5 स्टेप्स एक्सपोर्ट साइकिल और इंपोर्ट साइकिल इस तरह से पूरा चलता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, इसके हिसाब से आप अपना पूरा साइकिल सेट कर सकते हैं। हम लोग ये फील्ड में है बहुत सालों से, तो कोई भी स्टेप पे आपको कोई सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कोई भी नॉलेज चाहिए, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको उसमें पूरा हेल्प करेगी। थैंक यू।